हेलो वंस अगेन, वेलकम बैक। वापस आ गए आप लोग। और आपकी मॉर्निंग कैसी हो रही है आज? एक इससे पहले कि मैं अपनी गेस्ट को बुलाऊं, आपसे आपको अगर याद हो, मैंने जो दुबई में शोज किए थे, एक शो में आपसे राणा हैदर अब्बास को मिलवाया था, हमारे पाकिस्तान का वो एथलीट जो कि दुबई में होने वाली आज जो मैराथन रेस हो रही है वहाँ उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से। अभी उसने मुझे कहा और मैंने बड़ी उसको विशेष कही थी, उस वक्त भी पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से कही थी, पहली दफ़ा, ये पिछले 3 साल से हो रही है मैराथन, लेकिन पहली दफ़ा कोई पाकिस्तानी शरीक होने जा रहा है उसमें। तो मैंने उन्हें कहा था, बड़ी दुआएं वुआएं भी दी थी, गुड लक भी कहा था, लेकिन पिछले उनका फ़ोन आया, उन्होंने बताया मेरे पिछले कोई 1-1.5 हफ्ते पहले उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम मिसफिट हो गए हो। वैसे ये डॉक्टर्स कौन होते हैं जो हर प्लेयर को कह देते हैं मिसफिट हो गए? तो उन्होंने बहरहाल बोला कि मिसफिट हो गए हो, तो लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ से रेस में हिस्सा लेने। तो पूरी कौम से मेरे कहें आज मुझे ने फ़ोन करके कहा कि वो उनके लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें। तो इस वक्त हमारे जो ख़ासतौर पर सीनियर लोग देख रहे हैं, जितनी माएँ जितनी दादियाँ देख रही हैं हमें, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि राणा हैदर अब्बास के लिए आज दुआ ज़रूर करें, क्योंकि बहरहाल वो पाकिस्तानी फ्लैग लेकर अपने सीने पर दौड़ रहा है और इंशाल्लाह उसको, चाहे उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए बड़ी हम क्लैप करेंगे और दुआएं करेंगे कि आज इंशाल्लाह ताला दुआ करें कि जब मैं मंडे को आऊं तो मैं आपको अच्छा रिजल्ट सुनाऊं उस मैराथन का। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि अगर हार भी गए तो भी बाजी मात नहीं होगी। हाँ, आज जिन गेस्ट को हमने बुलाया है उनके बारे में बताती हूँ आपको। आपने हमेशा ही ऐसे प्रोग्राम्स में उन्होंने देखा जो पॉलिटिकल टॉक्स जिसमें होती हैं, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम होते हैं, कभी कभी एकाध कोई और इस तरह के मैंने उन्हें शो में भी देखा है। मेरे यहाँ उनके आने का मकसद जाहिर है, उनका अपना प्रोफाइल है जो उनका स्टेचर है, लेकिन एक और रीज़न कि मेरी टीम में मौजूद बहुत सारे लोग इनके बहुत क्रेजी फैन हैं। और क्रेजी फैन इसलिए नहीं है कि मारवी मेमन काम क्या कर रही हैं, क्रेजी फैन इसलिए हैं कि मारवी मेमन दिखती बड़ी अच्छी हैं। इसीलिए मैंने आज आपसे पूछा है कि सियासत में पाकिस्तान में आने के लिए ख्वातीन के लिए क्या जरूरी है। 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तालीम, सियासी बैकग्राउंड यानी उनकी फैमिली का, या फिर चौथा ऑप्शन आपके पास है, खूबसूरती। अब वो उस खूबसूरती को आप मेंटल अलर्टनेस ले लें या आप कोई फिजिकल ब्यूटी आप उसको उस तरह से ले लें, या आपके अपने ऊपर है। तो आप तीनों में से जो बेहतर ऑप्शन है उसको बताइएगा। और मारवी पर कौन सा फिट जाता है ये आपने लाइव टेलीफोन कॉल जब हम आपको दे देंगे ऑप्शन कि अब आप कॉल करें तो फिर आप उन्हें बताइएगा। सो लेट्स वेलकम मेंबर नेशनल असेंबली मारवी मेमन। अस्सलाम वालेकुम। हावी आई एम गुड एंड जी टेल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैंने आपको आपकी सियासी मसरूफियात से हटा के जरा इधर मैदान में, अच्छी बात है, थोड़ी औरतों के मैदान में ले आनी चाहिए। ये ज्यादातर शोज ऐसे होते हैं ना हमारे तो एंटरटेनमेंट के, जो खासतौर पर सुबह का वक्त होता है, घरों से मर्द चले गए होते हैं, औरतें भी अपने ऑफिस में लगा के देख रही होती हैं, मर्द भी, लेकिन मोस्टली वो जो खवातीन घर पे होती हैं वो देख रही होती हैं इस प्रोग्राम को। आपसे यही सवाल पूछूं जो आज मैंने इनसे पूछा है, तो आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान में सियासत में आने के लिए औरत के लिए क्या होना जरूरी है? आई थिंक प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस, और डेफिनेटली एक सबसे बड़ी चीज है एक एहसास अवाम के मसाइल के लिए। ओके। आई थिंक उससे बढ़ के कोई नहीं हो सकता। और ये बाकी सारी जो चीजें होती हैं उस पर मैं सीरियसली कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज वो तो हर उसमें होती हैं, वो तो किसी भी माशरे में हो सकती हैं, लेकिन मेरे नज़र में अवाम के लिए एहसास, और वो जिस फर्द में भी हो, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, आई थिंक वो फिर वो ठीक ही रहता है, फिर वो सही हो जाती हैं चीजें। लेकिन एक आपकी बड़ी क्वालिटी जिसके ऊपर बात होती है हमेशा, कि ऐसी बड़ी कम खवातीन आई हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में, जो इतना अच्छा, जिनकी स्पीकिंग पावर इतनी अच्छी हो, वोकल हो, एंड यू आर वन ऑफ देम। आप बहुत बहुत आप दबा के बोलती होती हैं। आई थिंक अगर आपके आइडियाज क्लियर हैं और आपकी होपफुली नीयत साफ है और आपका विजन भी क्लियर है कि आप किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं मुल्क को, और जब आपको चीजें नजर आती हैं जो उस डायरेक्शन में नहीं जा रही होती हैं, तो फिर ज्यादा चुपती है वो बात। नहीं, डोंट यू थिंक कि कभी कभी आपकी पोजीशन ऐसी हो जाती है सियासतदान होने के लिए कि आपको अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए ऐसी भी चीजें वो बोलना पड़ रहा होता है कि दिल चाहता है नहीं, लेकिन फिर भी आप बोल रहे होते हैं?
देखिए पार्टी का डिफेंस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पार्टी ही ने जो है ये दिया है, ये अपॉर्चुनिटी दी है टू बी इन दी असेंबली. और पार्टी की कुछ पॉलिसीज हैं डेफिनेटली जिनका दिफा बिल्कुल जायज है और वो जरूरी भी है क्योंकि एक आइडियोलॉजी है पाकिस्तान मुस्लिम. आपको सबसे ज्यादा मुश्किल करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में कब पेश आती थी, जब लोग कहते थे मुशर्रफ ये, मुशर्रफ ये, मुशर्रफ वो, मुशर्रफ, और आप कहते नहीं नहीं हम मानते ही नहीं है ये. एक्चुअली वो शुरू में क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक आया था तो एकदम से जो उसका डिफेंस सिस्टम था वो एकदम से उतना ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिएक्शन आ गया था. और स्पेशली ये बात शुरू तब हुई थी जब पहली दफा हम असेंबली में पहुंचे थे और हर जगह से वो गो मुशर्रफ गो के जो नारे लगे थे और बड़ा अजीब सा एक फीलिंग हुई थी और बड़ी एक थ्रेटनिंग सी एक फीलिंग थी. और वो गैलरी से भी शोर हो रहा था जो अलाउड नहीं है. जो उन्होंने एक स्टेज की थी ऑपरेशन जान पूछ के ना, तो वो शुरू में इतना ज्यादा जो आ गया तो उसका फिर रिएक्शन भी उतना ही स्ट्रांग हुआ. और फिर उसके बाद से तो फिर आपके सामने ही लेकिन अच्छा अब कभी पार्टीज में खानों पर कभी ऐसी जब महफिल होती है पीएमएलक्यू की, मुशर्रफ साहब आपको ज्वाइन करते हैं आप लोगों को? नहीं ऑब्वियसली वो तो मुल्क से बाहर है तो वो डेफिनेटली अभी तो बाहर है वो, लेकिन पार्टी में जब से मैं आई हूँ तो उनका कोई ऐसा पार्टी में तो नहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते आप. ओके या फिर ये एक रोल नहीं रहा है. हाँ या फिर ये कि नेगेटिव पॉइंट है कि मैंने उनका नाम ले लिया तो पार्टी के लिए कुछ मसले मसाइल आगे हो सकते हैं, तो उन्होंने आपने कहा? नहीं देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो सियासत है अब वो ऑब्वियसली एक डिफरेंट डायरेक्शन ले चुकी है और ये पार्टी की पॉलिसी है और इसी तरह से आगे चीजें चल रही हैं. राइट राइट राइट. बट यू स्टिल थिंक दैट मुशर्रफ साहब से कुछ गलतियां हुई? देखें जब इतनी अचीवमेंट्स जहाँ होती हैं अचीवमेंट्स को ये दोनों को जाता है और जो गलतियों का भी जो ओनर्स जाता है वो दोनों को जाता है. सॉरी बल्कि मैं लोगों से कह देती हूँ, बता देती हूँ आपको, बीच में मैंने इंटरप्ट क्यों किया मारवी के बीच में, इसलिए कि माइक में उनके कोई प्रॉब्लम आई है जो हम फौरन हो गए. ठीक ठीक है, अब कैरी ऑन कर सकती हैं. मैं सिर्फ ये कह रही थी कि जब कोई भी हुकूमत पावर में होती है तो उसकी जो लीडरशिप होती है चाहे वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वो साथ वो रिस्पांसिबिलिटी उठाते हैं. तो जो अचीवमेंट्स होती हैं वो भी उन दोनों की साथ होती हैं, जो फेलियर्स होते हैं वो भी दोनों की ओनरशिप साथ होनी चाहिए. अगर ओनरशिप नहीं लेते तो फिर रिजाइन कर देना चाहिए या एक को या दूसरे को. तो ये दोनों चीजें साथ जाते हैं. मालवी लोग अभी भी ये कहते हैं, आम लोगों का ये ख्याल, जैसे मिलो तो बात करो, जो साइलेंट मेजोरिटी है वो हमारे यहाँ तो मेजोरिटी चुप ही रहती है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जी, एक ये ख्याल भी है कि मुशर्रफ साहब जैसा, अब वो चाहे जिस भी तरीके से आए थे जो भी था, कि हमें पहले कभी कोई ऐसा लीडर नहीं मिला. आई थिंक जहाँ तक प्रेसिडेंट मुशर्रफ का ताल्लुक है वहाँ दो एक्सट्रीम पोजीशंस आ जाती हैं, या तो बहुत ज्यादा उनके हक में लोग होते हैं और या तो बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं. मुझे बीच की पोजीशन उनके ऊपर कहीं नजर नहीं आई है कोई खास. सो जो लोग बहुत ज्यादा हक में थे एकदम से आप उनको देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा आउट हो गए, अगेंस्ट हो गए, और जो सो ये होता रहता है, ये लीडरशिप के साथ होता रहता है. मैंने आपका ख्याल पूछा है, व्हाट डू यू थिंक कि मुशर्रफ साहब वाज अ पॉजिटिव लीडर? आई थिंक ही हैड अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स फॉर पाकिस्तान, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट जहाँ इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी विद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत के साथ, ये कहना बहुत जरूरी है, तो वहाँ ऑब्वियसली दोनों से कुछ गलतियां भी हुई हैं और वो गलतियां हर हुकूमत में होती हैं, लेकिन उन गलतियों का जो लेवल होता है वो हर गवर्नमेंट का अलग होता है. अब जिस तरह से इस हुकूमत की जो गलतियां हो रही हैं वो आप कंपेयर नहीं कर सकते उस हुकूमत की गलतियों के साथ, क्योंकि नेट रिजल्ट सामने होता है. नेट रिजल्ट क्या होता है? जो आप आवाम को दे रहे होते हैं, प्राइस हाइक, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस एंड लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्ट जनरली वेल बींग जिसको कहते हैं, अगर इस हुकूमत में बहुत अमेजिंग है तो फिर इस हुकूमत के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सारों को ये अचीवमेंट जाती है. और अगर इसमें डिजास्टर